हेलो दोस्तों, अगर आप भी पबजी गेम के अंदर अपना नाम चेंज करो और दोस्तों जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों लिखा हुआ आता है नेम इज ऑलरेडी टेकन। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप पबजी का नया अकाउंट बना रहे हो और दोस्तों वहां भी आप नाम रख रहे हो तो दोस्तों लिखा हुआ आता है नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊं कि यार आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इस मसले को ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ आपने करना यह कि यार आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि यार आपको फुल डिटेल से समझा सकूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो यार आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यार ये प्रॉब्लम आपको आती क्यों है। दोस्तों जो नाम आप रख रहे हो तो दोस्तों वो नाम किसी और बंदे ने जो ना रखा होता है, ठीक है, अपनी आईडी के ऊपर, जिसकी वजह से आपको लिखा हुआ आता है नेम इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आपको ज्यादा बार बार जो है नाम के अंदर चेंजिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मतलब आप लिखते, जैसे मैं लिखता हूँ जलाल, जलाल लिखता हूँ तो वो कहता है नेम इज ऑलरेडी टेकन। उसके अलावा जलाल 1 2 3 लिखता हूँ तो वो कहता है नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो इस तरह आपको बार बार नाम रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपने करना क्या, सिंपली आपने जो ना एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ आपने वो यूज़ करनी है, और वो यूज़ करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपका जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने ये करना है, या आपको मैं बता देता हूँ ये आपकी फ्रेंड्स है या दोस्तों आपके फ्रेंड्स है, ठीक है। इसके ऊपर जो ना आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, या फिर आपका जो ना एक फ्रेंड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों फिर आपने जो ना क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ आ जाएगा एडवांस सर्च, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, एडवांस सर्च आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आपने जो नाम रखना है वो पहले आपने सर्च कर लेना है कि यार ये नाम किसी बंदे ने पहले रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ जो ना सर्च कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ जलाल, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर वो नाम मैं जो ना वहाँ रखूँगा तो दोस्तों मुझे नेम इज़ ऑलरेडी टेकन बताएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ मैं जलाल लिख देता हूँ, ठीक है, पहले जलाल, और यहाँ जो ना ओके करके यहाँ मैं सर्च पर जो ना क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप सर्च देख सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। दोस्तों आप यहां देख सकते हो कि यार लिखा हुआ आया है कि जलाल की ये जो आईडी है ये ऑलरेडी पहले ही यहां किसी की है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं ये यही नाम जो ना वहां जाकर लिखूंगा रीनेम कार्ड के अंदर तो दोस्तों लिखा हुआ आएगा नेम इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। तो दोस्तों अब आपने जो अब आपने करना क्या है कि यार अगर आपने जो नाम रखना है वो पहले यहाँ आपने जो ना चेक कर लेना कि किसी प्लेयर ने रखा हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों अब मैं एक दूसरा नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं जो ना यू का जो ना यू लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ मैंने यू लिख दिया और ओके कर देता हूँ, और इसके अलावा उसके बाद जो ना यहाँ सर्च कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हो कि यार जलाल यू के नाम से जो ना कोई भी आईडी यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ जो ना सिंपली इसको यहाँ जो ना क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है। और अब जो ना मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है दोस्तों, बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, बाहर आ जाता हूँ। और यहाँ इन्वेंटरी, और यहाँ जो ना मैं बॉक्स के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ जो ना आईडी कार्ड, ठीक है, और यहाँ यूज़, और यहाँ जो ना मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया जलाल यू, आप यहाँ सब देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं जो ना जलाल यू या जो ना मैंने पेस्ट कर दिया रीनेम कार्ड के अंदर जाके। वो तो दोस्तों आपको पता होगा कि किस तरह रीनेम कार्ड में जाके जो ना नाम चेंज करना है। तो दोस्तों अब मैं जो ना यहाँ ओके कर देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ जो ना ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो नाम है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा काम है जो ना जो ट्रिक आपको मैंने बताया है कि यार आपने यूज़ करनी है, ठीक है, जिसके बाद जो ना आपको नेम इज ऑलरेडी टेकन की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो देखकर भी कुछ समझ ना आया तो यार मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो यार मुझे कमेंट कर देना, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।